नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्टेड है, प्रेगनेंसी में ऐसा क्या करें जो आपका वजन बढ़ जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप आसानी से मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों में भी वजन कम होता है उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपका पहला हो जाता है जेनेटिक प्रॉब्लम। दोस्तों, मान लीजिए किसी के घर में स्टार्टिंग से जो है सभी लोग कमज़ोर हैं, या फिर किसी के माँ कमज़ोर है, किसी के पापा कमज़ोर हैं, तो हो सकता है कि उसके बच्चों में भी जो है ये जो बीमारी है वो चला जाए, यानी कि कमज़ोरी की बीमारी चला जाए। तो अगर आप गर्भवती हैं और आप कमज़ोर हैं तो हो सकता है कि आपके घर में भी पहले कोई कमज़ोर हो, या आपकी खानदानी बीमारी रही हो ये इस वजह से कि आप कमज़ोर हो। तो एक ये कारण हो सकता है आपके वज़न ना बढ़ने का। दूसरा कारण हो सकता है कि आप तनाव में रहते हो, आप ढंग से खाना पीना नहीं खाते हो, आप अपना ध्यान नहीं रखते हो, या फिर आप खाना पीना भी खाते हो तो आप ऐसा खाना खाते हो जो कि वज़न बढ़ाने वाला ही ना हो, जिससे कि आपका वज़न बढ़े ही ना, शरीर में कोई पोषक तत्व ही ना मिले। तो ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपको कुछ बीमारी हो जिस वजह से कि आपका वज़न ना बढ़ रहा हो, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ भी ऐसी होती हैं जिस वजह से कि वज़न नहीं बढ़ता है। तो इनमें से कुछ कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊँगी खाने पीने को लेके, या आप क्या कर सकते हो उसके बारे में बताऊँगी। दोस्तों, इन तरीकों को यूज़ करने के बाद भी अगर आपका वज़न नहीं बढ़ेगा तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप डॉक्टर के पास प्लीज़ जाइए, उनसे बात कीजिए इस मामले में, डॉक्टर क्या कहते हैं उस चीज़ को फॉलो कीजिए। देखिए, हो सकता है कि आपका वज़न ठीक हो लेकिन फिर भी आपको लगता हो कि मेरा वज़न कम है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप प्रेग्नेंट हुई हैं उस टाइम आप अपना जो है आदर्श वज़न, यानी कि आपका जो नॉर्मल वज़न कितना होना चाहिए, नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, ये आप गूगल पे जाके कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब कि BMR निकाल लीजिए कि आपका एक्यूरेट वज़न कितना होना चाहिए। आपका वज़न बढ़ना चाहिए 10 से 12 किलो, नॉर्मल है। आपका अगर 16 किलो तक ही बढ़ता है तो भी नॉर्मल है, और उससे ज़्यादा वज़न आप बढ़ा रहे हैं तो मतलब यही है कि आप अपना वज़न ज़्यादा बढ़ा रहे हो और वो ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रही हूँ नॉर्मल महिलाओं के लिए, जिनका कि वज़न नॉर्मल है। अब बात करते हैं जिन महिलाओं का ओवरवेट है। मान लीजिए किसी महिला का ऑलरेडी ओवरवेट है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें संतुलित खाना खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं उन्हें खाना नहीं खाना, उन्हें संतुलित खाना खाना है। खाना तो सब कुछ है लेकिन एक लिमिट में खाना है, ताकि प्रेगनेंसी के दौरान उनका वज़न और ज़्यादा ना बढ़ जाए और बाद में बच्चे को और आपको दोनों को दिक्कत ना हो जाए। तो आपको ये भी मिला के चलना है। और दोस्तों, इसके बाद वो महिलाएँ जिनका वज़न रियली में बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या करें, वो थोड़ा ज़्यादा खाएँ और ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि उनका वज़न बढ़े। और वज़न बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या खाना है तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आप कुछ भी खाओ तो उसमें क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, और खाना ऐसा होना चाहिए जो कि फाइबर युक्त हो। मतलब ये कि ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे कि आप कुछ भी ऐसा खा रहे हैं या फिर तला भुना खा रहे हैं जिसमें कि फाइबर है नहीं, शरीर तो मोटा हो रहा है लेकिन आपको अलग से और बहुत सारी परेशानी होने लग गई है, तो आपको ये भी नहीं करना है। तो मतलब आपको खाना ऐसा खाना है जो कि हेल्दी हो और फ्रेश हो। तो आप क्या क्या खा सकते हैं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रेन के बारे में। तो ग्रेन्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपका हो ओट्स आ गया, आपका चावल आ गया, आपके जो है पास्ता हो गए, आपकी रोटी हो गई, आपके आप ब्रेड खा सकते हो, मल्टीग्रेन ब्रेड आता है, होल व्हीट ब्रेड आता है, आप वो खा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को खाइए। सफ़ेद चावल से आपने सुना होगा वज़न बढ़ता है, तो आपको वो भी खाना है। इसके अलावा आप रोटी तो खाते ही, तो रोटी भी आपको अच्छे से खाना है, घी लगा के रोटी में खाइए। जो भी अनाजें वगैरह होती है आपको वो खाना है, आप वो सर्च कर लीजिएगा क्या क्या अनाजें वगैरह हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियोस पे अलग बना दूंगी कि आपको क्या क्या अनाज खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। आपको ग्रेन्स जो भी खाना है आपको ये भी ध्यान रखना है कि फाइबर युक्त होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बारे में। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि वेजिटेबल और फ्रूट्स में बहुत ही अत्यधिक मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मतलब कि आपके पोषक तत्वों का खजाना होता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो, आपको लेना है फ्रेश। आप जितना फ्रेश खाना खाओगे आपके शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो भी खाइए फ्रेश खाइए, ठीक है। तो आप केला खा सकते हो, वैसे कहा जाता है दूध और केला साथ में खाने से वज़न बढ़ता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप दूध में केला डाल के खाइए, या फिर दूध केला साथ में जैसे भी आपको खाना है आप वो खाइए। आप जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप बनाना शेक पी सकते हैं, मैंगो शेक पीजिए। तो आप जितने फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जितने वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं सब खाइए। मतलब ये कि कुछ फ्रूट्स नहीं खाना होता, जैसे कि अनानास पपीता वगैरह नहीं खाना होता। कहा जाता है कि अंगूर भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मत खाइए लेकिन थोड़ा खाइए, क्योंकि अंगूर जो मीठा होता है और उसमें जो है मीठा होने की वजह से उसमें जो है कैलोरी ज़्यादा होती है। आप अंगूर भी खाइए, आप अनार खा सकते हो। दोस्तों, कहने का मतलब ये कि फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको जो है फ्रूट्स डेली खाना है,
या तो आप मिक्स करके खाइए, सारा फ्रूट्स का चाट बना के खाइए। बहुत सारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो सारे फ्रूट्स को घर में ला के रखें और फिर डेली खा पाएँ। तो आप डेली चेंज कर करके खाइए, मतलब कि आज कुछ खाइए कल कुछ और खाइए, लेकिन आप खाइए। और केला तो आप डेली खाओ, केला में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बाकी जो है वो मोटापा बढ़ाने में मदद करता है, तो आप केला और दूध खा सकते हैं। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। आलू जो होते हैं उसमें बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि वजन बढ़ाने में मदद करता है, तो आप आलू खा सकते हैं। उबले हुए आलू खाइए या फिर आलू की सब्जी बना के खाइए, आलू के परांठे खाइए, जैसे भी आपकी इच्छा हो आलू खाने की आप उस तरीके से आलू खाइए। और दोस्तों जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हो कोशिश कीजिए कि वो आप जब भी खाएं वो फ्रेश खाइए, बासी वेजिटेबल्स को मत खाइए। तो आपका ये हो गया। बाकी दोस्तों आप सलाद खा सकते हैं, सलाद भी काफ़ी अच्छा होता है, आपके पेट को अच्छा रखेगा, यानी आप जो भी फैट वाली चीज़ें खाएंगे उनको मेंटेन करने के लिए आप थोड़े बहुत सलाद खा सकते हैं। और सलाद आप दोपहर में खाइएगा, क्योंकि शाम में सलाद खाना ठीक नहीं है। गर्मी का मौसम है तो ठीक है, लेकिन ठंड के मौसम में रात में सलाद मत खाइएगा, दिन में ही खाइएगा। बाकी फ़िलहाल गर्मियाँ चल रही हैं तो आप आराम से जो है सलाद भी खा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आप और क्या ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन किस में होता है, मीट में, मछली में, अंडा में, दूध में, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी लीजिए। तो आपको फुल क्रीम मिल्क लेना है, जब आप दूध को उबालते हो उसमें मलाई आती है, तो मलाई आते ही अगर आप मलाई को जमने देते हो तो क्या होता है कि वो आपका जो है टोंड मिल्क बन जाता है, क्योंकि उसके सारे क्रीम निकल जाती है। लेकिन अगर आपको फुल क्रीम मिल्क पीना है तो आपको क्या करना है कि जैसे आप दूध उबालते हैं उसमें मलाई आपको नहीं आने देना, दूध उबालिए एकदम ठंडा कीजिए, मतलब मलाई नहीं आने देना आपको, और उसको पी लीजिए, तो आपका फुल क्रीम दूध हो गया। तो आप फुल क्रीम मिल्क ले लीजिए, और आप फुल क्रीम मिल्क का जो है दही बनाइए उसको लीजिए, उसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको फैट मिल जाएगा। दोस्तों ये तो बात होगी आपके प्रोटीन की, मतलब कि प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, इसमें प्रोटीन हो वो सभी चीज़ आपको खाना है, वो ही आप सर्च कर लीजिएगा क्या क्या प्रोटीन रिच डाइट होता है। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। दूध और दूध से बने जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आपको सभी लेना होगा। दोस्तों दूध के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपको कैसे लेना है, इसके बाद अब दही के बारे में बता दिया कि आपको दही किस तरीके से जमाना है घर में, श्रेष्ठ आपको चीज़ लेना होगा। और दोस्तों इसके अलावा क्या क्या होता है, आपका घी होता है तो आप घी लीजिए, घी में काफ़ी मात्रा में फैट होता है और वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके और आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए अपने खाने में, मतलब कि रोटी खा रहे हैं तो रोटी में डाल दीजिए, चावल खा रहे हैं तो चावल में डालिए, साथ में दाल में डालिए, सब्ज़ी में डालिए, और घी ज़रूर खाइए। अगर आपका वजन रियली में बहुत कम है तो आप घी तो खाना बिल्कुल मत छोड़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घी खाइए। दोस्तों आप मक्खन लीजिए, मतलब कि बटर लीजिए, बटर और घी में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे होते हैं, तो घी का इस्तेमाल भी कीजिए और बटर का भी कीजिए। मतलब कि ब्रेड खा रहे हैं तो उसमें मक्खन लगा के खाइए, या और जब आप परांठे बना रहे हैं तो घी में बनाइए, ठीक है। जिस चीज़ में फैट ज़्यादा हो आपको वो चीज़ भी लेना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि किसी को वज़न कम करना हो तो आपने सुना होगा उसे आलू नहीं खाना, उसे घी नहीं खाना, उसे केला नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि किस चीज़ में फैट ज़्यादा है, किस चीज़ से वज़न बढ़ सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे आपका घी हो गया, फुल क्रीम मिल्क हो गया, मीट हो गया, अंडा हो गया, इन सबसे वज़न बढ़ता है, तो आपको इन चीज़ों को खाना चाहिए। और आप चना खा सकते हैं, और जैसे कि अंकुरित चना खाइए, अंकुरित दालें खाइए। और इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें भी अधिक मात्रा में कैलोरी होती है और उनमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो आपको जो है जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी को खाना है। और मैंने ड्राई फ्रूट्स के ऊपर 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। देखिए तो खाने की बात हो गई, आपको क्या क्या लेना है, कौन कौन से जो है पोषक तत्व लेने हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि आपको खाना कितना है। तो देखिए जो नॉर्मल महिलाएँ होती हैं, जो नॉर्मल जिनकी नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही होती है, उन्हें डेली कम से कम 300 कैलोरी ज़्यादा लेना होता है। बात करते हैं जिनका कि वज़न कम है तो वो क्या करें, वो 300 जगह 500 कैलोरी लीजिए, 600 कैलोरी ज़्यादा ले लीजिए जितना आप खाते हैं उससे। तो देखिए खाना आपको एक ही चीज़ नहीं है बार बार, खाना आपको अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो है जल्दी जल्दी खाना है, मतलब कि पूरे दिन में कम से कम आप 6-7 बार खाइए। ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हो, उसमें कैलोरी भी हो और वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो अब बात करते हैं कि आपको खाना कितना चाहिए। तो 1 लीटर 1.5 लीटर दूध पीजिए और फुल क्रीम दूध ही पीजिए, ठीक है, इससे आपका वज़न बढ़ेगा। दूध के साथ साथ आप चाहें तो आप केला भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप खीर बना के खाइए, दलिया बनाते हैं तो मीठे दलिया बनाइए, मतलब दूध में बनाइए ताकि उसमें अच्छे खासी कैलोरी आ जाए। इसके अलावा आप दही लेते हैं तो ऐसा नहीं होना, थोड़ा सा दही नहीं लेना, पूरा कटोरी भर के दही लीजिए। और दोस्तों घी आप अच्छे से रोटी में लगाइए, दाल में 1 की जगह 2 चम्मच घी डाल लीजिए, तो इससे भी अच्छी खासी कैलोरी मिल जाएगी और आपका वज़न बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि या तो नॉर्मल वैसे खा लीजिए थोड़ा बहुत, या फिर जो मीठा बना रहे हैं, चाहे खीर हो गया, चाहे हलवा हो गया आपका, चाहे आपकी सेवैयाँ हो गई, जो मीठा चीज़ बना रहे हैं दूध से बना रहे हैं उसमें आराम से आप डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग चावल में भी डाल देते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं कि आप दूध में घी डाल के पी लीजिए, इससे भी आपका वज़न बढ़ेगा।
दोस्तों एक फार्मूला है मेरी मम्मा का है, वो बच्चों के लिए है, आप भी आजमाना चाहें तो आजमा सकते हैं। उनका जो फार्मूला है वो ये है कि मलाई ले लीजिए, उसमें किशमिश डालिए थोड़ा बहुत, और जो आपने रात में बादाम भिगोया था उसको डाल दीजिए और उसको आप खाइए, हो सकता है इससे भी आपका वज़न बढ़े। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई सा फार्मूला है वज़न बढ़ाने का तो कमेंट कीजिएगा ताकि किसी और की मदद हो सके और तनाव मुक्त रहिए, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो भी इससे जो बच्चे पे असर पड़ता है, आपके वज़न पे और आपके हेल्थ पे असर पड़ता है। दोस्तों क्या होता है, कई बार हम कहीं बाहर जाते हैं तो अभी हम जो है कुछ लेके नहीं जाते हैं और भूखे रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप 4 से 5 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम आपको 3 बार खाना है, ठीक है? तो 3 बार में आप क्या क्या खा सकते हो, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या हेल्दी है, क्या क्या आपको पसंद है, आप वो लेके जाइए और उसको खाइए। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो आप जो है रसगुल्ले आते हैं स्पंज वाले, आप वो भी खा सकते हैं, वो भी वज़न बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। बाकी देखिए और वो क्या हेल्दी हो सकता है खाने के लिए और इसमें अच्छी कैलोरी हो सकती है, आप वो खाइए और टाइम पे खाइए और छोटा छोटा मील बना के खाइए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी खा लिया तो फिर जाके शाम में खाएंगे सीधा, ऐसा भी नहीं करना। पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीना भी बहुत अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, तो पानी खूब पीजिए। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने आपको खाने को बताया आप खा के आराम से बैठ जाइए, ऐसा भी आपको नहीं करना, थोड़ा एक्सरसाइज करने से फ़र्क पड़ता है और आप अपने शरीर को थोड़ा काम में लेंगे तो शरीर आपका थोड़ा बनेगा। हमेशा ही टहलने का मतलब और एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, कई बार एक्सरसाइज करना जो दोस्तों वज़न बढ़ाना भी होता है। बहुत सारे लोग इसलिए भी एक्सरसाइज करते हैं कि ताकि उनका वज़न बढ़े, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो आपको जो भी डॉक्टर ने एक्सरसाइज वगैरह बताया वो सभी को बताया जाता है, नहीं बताया तो सर्च कर लीजिए एक बार आप यूट्यूब वगैरह पर और देखिए कौन कौन से एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो एक्सरसाइज कीजिए और सुबह शाम जरूर टहलिए और आपके घर के जो भी छोटे मोटे काम है वो कीजिए और अच्छे से खाइए पीजिए। एंड आई होप कि आपका वज़न जरूर बढ़ेगा और ये आपको डेली करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लें उसके बाद आप बंद कर दें, नहीं आपको डेली करना है, डेली फॉलो करना है। एक अपना डाइट चार्ट बना लीजिए 7 दिनों का और उस हिसाब से ही खाइए और 6 से 7 बार आपको खाना है तो आप क्या क्या खा सकते हैं आप अपना देख लीजिए। दोस्तों प्रेगनेंसी डाइट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, क्या आपको किस समय क्या खाना है और कितने बार खाना है, तो आप वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। बाकी दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको जवाब ज़रूर दूँ। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, थैंक यू, नमस्ते।